है, दिस इज सुरभी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नज़र से। तो आप सब लोग आज सोच रहे होंगे कि आज मैं अपना कौन सा ज्ञान का पिटारा लेकर आ गई हूँ, उसमें से मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में आसपास जिसको हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करें तो हमें कितना फ़ायदा हो जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको नींबू के बारे में। हम सबको पता है नींबू हमें बहुत फ़ायदा करता है, चाहे हम उसे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर लें, चाहे हम हेयर पैक में यूज़ कर लें, चाहे हम उसको इनटेक कर लें, हर चीज़ में नींबू में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो आज मैं आपको नींबू के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग तैयार हो मेरा आज का नींबू वाला ज्ञान सुनने के लिए? वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर। तो ठीक है, चलो अब हम मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ नींबू में ऐसे कौन कौन से चीज़ें रहती हैं जो हमें बहुत बेनिफिट करती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर नींबू को हम सुबह सुबह गर्म पानी में डाल के, उसमें शहद डाल के हम उसको रोज़ पिएं और उसके तुरंत बाद आप वॉक करने जाओ चाहे रन करने जाओ, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और आपका बहुत क्विकली वेट लॉस होता है। क्या आप जानते हैं कि नींबू के रस और सेंधा नमक के कॉम्बिनेशन को अगर हम अपने खाने में यूज़ कर लें तो हमारी किडनी में जो स्टोन है उससे लड़ने में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई हो, सन बर्न हो गया हो बॉडी में कहीं पे भी, तो हम नींबू और शहद के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो हमारा सब टैनिंग चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप नींबू का पानी पीना शुरू करिए, आपकी बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि नींबू के जो बीज होते हैं उसको आप पीस लीजिए और उस बीज का जो वो पिसा हुआ रहता है उसको अपने रूट्स में लगाइए तो आपकी बाल्डनेस कम हो जाती है और बाल नए आने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने हेयर पैक में या फिर किसी ऑयल में, नारियल के तेल में या फिर किसी भी पैक में अगर आप नींबू के रस को मिला के अपने रूट्स में लगाते हैं तो आपका पूरी प्रॉब्लम, आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। कैसा लगा आपको मेरा आज का नींबू वाला ज्ञान? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और अब मैं